फ्रेंड्स, आई एम तानिया एंड वेलकम बैक टू तानियास किचन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साबुताना की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इसके लिए अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले रखा है साबुदाना की खिचड़ी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबुदाना ले रखा है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है 50 ग्राम। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ले रखा है। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का आलू ले रखा है, जिसको मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है छोटा छोटा। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च और 1 नींबू ले रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ धनिया पत्ती ले रखी है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक ले रखा है, रॉक सॉल्ट। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा ले रखा है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। इसमें हम मूंगफली डाल देंगे और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे। मूंगफली को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक ग्राइंडर में हम निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक बर्तन ले रखा है, इसमें हम साबुदाना डाल लेंगे। साबुदाना को हमने पहले ही भिगो के रख दिया था रात भर और ये अच्छे से फूल गया है। मैंने इसे रात भर भिगो के रखा था, ये अच्छे से फूल गया और फिर स्ट्रेनर की हेल्प से इसका सारा पानी निकाल दिया है। ये देखिए अच्छे से फूल गया था, ये दब रहा है इसलिए ये अच्छे से फूल गया। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली को दरदरा पीसा था उसको मिक्स कर देंगे। मूंगफली को थोड़ा ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा और डालेंगे हम और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साबुदाना में मैंने मूंगफली का पाउडर जो बनाया था वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं, गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अभी हमने घी लिया था उसको डाल देते हैं 2 चम्मच। तो थोड़ा सा हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे जो हमने टमाटर लिया था। और साथ ही हम हरी मिर्च जो हमने ले रखी थी 1 चम्मच, 2, वो भी हम अभी डाल देंगे इसमें। टमाटर को हम तब तक इस पे करेंगे फ्राई जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने बॉयल आलू का यूज किया था, इसलिए हम आलू को बाद में डालेंगे। अगर आपने कच्चे आलू का यूज किया है तो आप टमाटर से पहले आलू को डालिएगा, जिससे आलू अच्छे से गल जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, जो हमने 1/2 चम्मच सॉल्ट यूज किया था।
रॉक सॉल्ट, इसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे टमाटर के साथ में। आलू भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हमने जो साबूदाना और मूंगफली को मिला के रखा था उसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने छोटा साबूदाने का यूज किया है, आप चाहें तो बड़े वाले साबूदाने का भी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हम जल्दी जल्दी करेंगे और इसको लगातार चलाएंगे। इसमें हमने टमाटर का यूज किया था इसलिए थोड़ा खिला खिला कम बनता है, इसलिए आप टेंशन ना लें कि ये खिला हुआ नहीं है। और इसको खुला ही रख के हम थोड़ा सा चलाएंगे 2 मिनट तक, खुला ही रखेंगे इसे 2 मिनट तक और इसे अच्छे से चला देंगे। इसे हमने 2 मिनट तक खुला हो रखकर ही चला दिया है। अब हम इसे 2 मिनट ढककर पकाएंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसको हटा देंगे। ये अच्छे से बन गया है, एक बार चला देते हैं। अब हम इसमें लेमन डालेंगे जो हमने ले रखा था, हम आधा ही लेमन यूज करेंगे इसमें। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और थोड़ी सी जो हमने धनिया पत्ती ली थी वो डाल देंगे इसमें। और इसको चला देंगे अच्छे से। ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी कितनी अच्छी खिली खिली सी बनी हुई है। खिचड़ी बन गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। व्रत वाली साबूदाना की खिचड़ी तैयार है। ये बहुत ही अच्छी है, इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, व्रत के पर्पज से ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज फ्रेंड इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।